हेलो गाइस, सो वेलकम बैक माय वीडियो। तो आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लोगों को, मतलब आईडी जो जितने बंदे हैक करके खेल रहे हैं तो उनके ऊपर बात करने वाला हूँ। मतलब क्राफ्टन यार, मतलब इतने दिनों से इतने हैकर्स आए जा रहे हैं, क्राफ्टन हर किसी को बैन करे जा रहा है भाई। बहुत सारी आईडी को उन्होंने बैन करा, मतलब जितने भी हैकर्स हैं बहुत सारे हैकर्स को उन्होंने बैन करा। बट क्या है कि अभी भी हैकर्स कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। मतलब आप देख सकते हो हर गेम में आपको एक दो हैकर मिल ही जाएंगे और वो आपका गेम ख़राब करके चल जाते हैं। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं सुबह से जब से गेम खेल रहा हूँ जितने बार मैं गेम में गया, रैंक पुशिंग की मारामारी चल रही है भाई। हर कोई हैकर को लेकर अपने साथ घूम रहा है, कौन कौन पुश करने में लगे हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हो गाइस कि मतलब क्या चल रहा है। इतने सारे हैकर्स और क्राफ्टन भाई बैन कर करके थक गया भाई। मतलब इतने सारे बैन किए उन्होंने आईडी, कुछ आईडी परमानेंट बैन हो गए, कुछ आईडी टेम्परेरी बैन हुए, मतलब बहुत सारे आईडी को बैन करा गया है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि मतलब कितने कितने बैन हो गए। अभी आप लोग देख सकते हो 5 अगस्त से लेके 9 अगस्त के 20 तक में उन्होंने मतलब 3,36,736 अकाउंट परमानेंटली बैन कर दिए। मतलब 9 अगस्त क्या है, मतलब 30 जुलाई से उन्होंने ये स्टार्ट करा था, लेकिन अभी लास्ट 9 अगस्त तक में उन्होंने 3,36,736 अकाउंट परमानेंटली बैन कर दिए हैं। लेकिन अभी भी इन्होंने बैन करना मतलब छोड़ा नहीं है। अभी आपको दिखाता हूँ कि सेकंड इन्होंने अभी कितने अकाउंट और टेम्प्रेरी भी बैन किए हैं, वो भी आप लोग जरूर। तो भाई लोग, अभी आप लोग ये डेट देखिए, ये डेट है 6 अगस्त से 12 अगस्त के बीच की, जो कि अभी 17 तारीख तक चलने वाली है। इसमें भाई 1,81,578 अकाउंट बैन करे गए हैं। मतलब इतने सारे हैकर्स, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब कितना गेम ख़राब करने के पीछे पड़े हुए हैं। क्राफ्टन इस पे काम करे जा रहा है भाई, इतने अकाउंटों को बैन करे जा रहा है, लेकिन क्राफ्टन अभी भाई इन सब चीज़ों से मुझे लगता है परेशान हो गया है। तो उसने अभी भाई एक नया सिस्टम निकाला है जिसमें कुछ रूल ऑफ कंडक्ट में जाके आप देखोगे तो वहाँ पे कुछ लिखा गया है, उस कारण से आपको कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसा कि अगर आप वो चीज़ें यूज़ करते हो, हैकिंग वगैरह यूज़ करते हो, तो भाई आप लोगों को जेल तक जाने की नौबत पड़ सकती है। तो भाई गेमर से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग भाई अभी हैक करके मतलब खेल रहे हैं या हैक करने की सोच रहे हैं हम हैक करके कॉन्करर वगैरह लगा लेंगे, तो भाई ये गलती ना करो, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आप लोगों का लाइफ बर्बाद कर सकती है। आप लोग समझ सकते हो, मतलब आप हैक करके खेलोगे और ये साइबर क्राइम में आ सकता है भाई, और ऐसा हुआ तो आप लोगों को जेल तक हो सकती है अगर क्राफ्टन ने इस पर लीगल एक्शन लिया तो। जिस हिसाब से क्राफ्टन ने ये न्यूज़ दिया है उस हिसाब से तो लग रहा है कि अगर हैकर्स दोबारा ऐसा करते हैं तो उन पे लीगल एक्शन लिया ही जाएगा। गाइस, अभी आप यहाँ देख सकते हो कि डू नॉट यूज़ अनऑथराइज्ड प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइसेस, डू नॉट मॉडिफाई द गेम साइलेंट सर्वर और गेम डाटा। मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई है जिनका कहने का साफ मतलब है कि अगर ये चीज़ें आप यहाँ पर करते हो या ऐसी चीज़ें करते हो या अनऑथराइज प्रोग्राम यूज़ करते हो, हार्डवेयर मतलब कोई ऐसी डिवाइस जिस पे गेम बैन कर दिया गया उसको यूज़ करते हो या सर्वर को मॉडिफाई वगैरह करते हो, तो आप लोगों को जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि क्राफ्टन ने साफ कह दिया कि आप लोगों पे लीगल एक्शन लिया जाएगा अगर आप लोग ऐसा करते हो। तो गाइस प्लीज़, हैकर लोग एंड जो हैक करके खेलने वाले वो सावधान हो जाएँ एंड गाइस ऐसा ना करें जिससे कि आपकी लाइफ बर्बाद हो जाए। तो गाइस इतना ही कहना था एंड लोगों के पास जितना हो सके ये वीडियो शेयर कर दें ताकि लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और वो ऐसी गलती करने से बचें, क्योंकि भाई अभी जब क्राफ्टन लीगल एक्शन लेगा तो आप लोग समझ सकते हो कुछ भी हो सकता है। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज़।